हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको बिल्कुल दबाया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताया करें तक कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घुंघरा की रेसिपी। ये गुजरात की फेमस रेसिपी है और इसको सभी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको घुंघरा बोलते हैं, कहीं गुजिया बोलते हैं, कहीं पे करांजी बोलते हैं महाराष्ट्र में, और यूपी साइड में गुजिया बोलते हैं। तो इसको कैसे हम बनाएंगे और ये मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और चलिए तो मैं बताती हूँ ये घुंघरा मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। घुंघरा बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज को मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि काजू है, बादाम है, उनको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद इसको रोस्ट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये सूजी और मावा है, इसमें मैंने मिक्स किया है। सूजी को मैंने थोड़ा भून लिया था और थोड़ा सा मावा मिला दिया है इसमें, और इसको ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर मसाले मिलाएंगे। ये मैंने कोकोनट ग्रेट करके मिलाया, ये मैंने चिरौंजी मिलाई है, ये मैंने मिलाया है यहाँ पे जो मींगे मैंने फ्राई करके लिया था वो मींगे यहाँ पे मिला दिया है इसको, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे काजू बादाम रोस्ट करके वो भी इसी के अंदर डाल दिया है। और ये हमें ध्यान रखना है कि ठंडा होने के बाद, सूजी और मावा को ठंडा होने के बाद ही इसके अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। ये मैंने लिया है बूरा। बूरा आता है मार्केट में, अगर नहीं हो तो आप चीनी पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूरा मिला दिया है एक बाउल से थोड़ा ज़्यादा। आप एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि कैसा है। थोड़ा हमें मीठा ही रखना चाहिए क्योंकि इसको हम भरेंगे स्टफिंग में। यहाँ पे मैंने लिया है इलायची पाउडर, उसको मैंने कूट लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, तो अब हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम घी लेंगे मोयन के लिए। तो मोयन के लिए हमें घी ही लेना है क्योंकि घी से ही अच्छा बनेगा हमारा जो घोघरा है। तो अभी यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा इसमें मोयन हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक मुट्ठी सी बन जाए। तो यहाँ पे मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस तरह का है तो ये परफेक्ट है। अब हम इसका डो रेडी कर लेंगे। डो हमें रेडी करना है, और मतलब ना तो लूज ना तो टाइट, और एकदम अच्छा सा करना है। अब डो को सेट करने के लिए हमने रख दिया था। अब हम इसको डो को निकाल के और इसको हमने बेल लिया है। और यहाँ पर मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही, मुझे बनाने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे वो कह रही मम्मा मैं बनाऊँगी, तो वो देख रहे हैं आप, उसका हाथ भी दिख रहा है, मुझे करने ही नहीं दे रही है। तो आगे मैं इसी तरह से सारे हमने गुजिया को भर के बना लिया है, और इसको मैंने जो साचा होता है उसके हेल्प से बनाया, हाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बनाने के बाद कवर कर दिया है। उसके बाद हम एक बार में सब फ्राई करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया था। आप घी चाहे ऑयल रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब घुंघरा को फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको हमें फुल आंच पे नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है गुजिया को फ्राई, नहीं तो फिर ये जो है अच्छे से नहीं होंगी क्रिस्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है और इसको एक नेपकिन पेपर पर मैंने निकाल लिया है। इसी तरह से हम और जित वो हमारे और भी घुंघरा हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर एक प्लेट में डाल के सर्व कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स बन गई हैं, और घुंघरा की रेसिपी बहुत अच्छी बनी है और एकदम सॉफ्ट, और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी, एकदम भरी भरी बनी हुई है। और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ये फेस्टिवल में बनाया जाता है। ये ज़्यादातर घुंघरा ये दिवाली पे बनाते हैं, और
कभी और बाकी जगह पे होली पे भी बनाते हैं तो, और आप कभी भी बना के इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक करना ना भूला करें। तो फिर चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।